हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर मीटर के बारे में, राइट। तो देखिए, पावर फैक्टर मीटर, जैसा कि नाम है उसी से समझ में आ रहा है कि हमें क्या कर, ये मीटर क्या करेगा। ये मीटर पावर फैक्टर को मेजर करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, हम तो समझते हैं इसको, इट मेजर्स पावर फैक्टर, मेजर्स पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर को मेजर करने वाला है ये मीटर, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा कॉस फाई, कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, ठीक है। मतलब कि क्या, कि अगर मेरे पास पावर फैक्टर एंगल है, फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल, फाई मेरा है पावर फैक्टर एंगल। तो अगर मेरे पास पावर फैक्टर एंगल है तो मैं पावर फैक्टर निकाल सकता हूं किसी भी लोड का, ठीक है। और इसी तरीके से आपका पावर फैक्टर मीटर भी वर्क करेगा। वो क्या करता है, पावर फैक्टर एंगल निकालता है और उसके बाद उसका कोसाइन लेकर वो आपको मेजर करके दिखाता है कि लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, राइट। तो पावर फैक्टर मीटर मेजर्स द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। नाउ एक और पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, कि ये जो पावर फैक्टर मीटर है ये वर्क किस पे करता है। तो ये पावर फैक्टर मीटर वर्क करता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, राइट। तो आप देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन पहले से ही कर चुका है, राइट। तो आपको अगर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के बारे में नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस देखिए और उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखिए कि उसमें फिक्स कॉइल क्या होता है, उसमें मूविंग कॉइल क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वर्क करता है। वो सब चीजें जब आपको समझ में आ जाएंगी तब हम पावर फैक्टर मीटर को अच्छे से समझ लेंगे, राइट। तो आप पहले इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को, अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, और अगर नहीं पता है तो आप पहले इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो पिछला वीडियो से समझ लीजिए, राइट, ठीक है। तो हम इसलिए, अब देखिए, अब यहां पे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, मतलब कि क्या, इसमें फिक्स्ड कॉइल होगा, मूविंग कॉइल होगा, मतलब कि क्या, इसमें प्रेशर कॉइल होगा, करंट कॉइल भी होगा, राइट। अब ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। डैम्पिंग भी आपको पता है कि डैम्पिंग किस लिए प्रोवाइड की जाती है, कितने टाइप के टॉर्क होते हैं, डैम्पिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, ये सब होते हैं हमारे। तो उसमें से जो डैम्पिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज, ठीक है। तो इसमें पावर फैक्टर मीटर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। तो ये भी चीज हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर चुका है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में कैसे वर्क होता है, राइट। तो वो चीज आपको अच्छे से पता है, नहीं पता तो आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमें पूरा फोकस करना है पावर फैक्टर मीटर पे। तो जो जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं वो हम पहले से ही नोट्स में मेंटेन करते चलेंगे आगे, राइट। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। अब जो एग्जाम में हर जगह पूछा गया है, अगर पावर फैक्टर मीटर का क्वेश्चन आप कहीं भी देखने को मिले एग्जाम में, तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क क्या यूज होता है। और जैसे कि अगर मैं लिखूं, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की अगर मैं बात करूं, तो इन पावर फैक्टर मीटर कंट्रोलिंग टॉर्क is not provided। तो ये जो आपका मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा यही आता है क्वेश्चन कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या प्रोवाइड किया जाता है पावर फैक्टर मीटर में। तो आपने उसमें दे दिया जाएगा ऑप्शन, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, और लास्ट ऑप्शन में क्या दिया रहेगा पता है, कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड। तो आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है एग्जाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारा, इन पावर फैक्टर मीटर कंट्रोलिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड। ये तो अब सवाल ये हो गया कि यार, हमने तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम निपटा के आए हैं,
उसमें हमने देखा कि हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, कुछ ना कुछ डैम्पिंग टॉर्क होता है, कुछ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। तो ये सब चीज में ये कैसा मीटर है कि जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क है ही नहीं, तो कंट्रोल आ कैसे रहा है ना? इसमें कंट्रोल मतलब आपका जो पॉइंटर है वो जाके रुक क्यों रहा है रीडिंग में, कैसे रीडिंग देख रहा है जब अगर कंट्रोलिंग टॉर्क है ही नहीं? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क का सिग्निफिकेंस महत्व कितना ज्यादा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए, राइट? तो अगर इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं तो पॉइंटर रुक क्यों रहा है? उसके लिए हमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखना पड़ेगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए ये स्टेटमेंट को हम समझेंगे, ये तीन पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि ये मेजर करता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए पावर फैक्टर एंगल निकालता है और ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के, और इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है, राइट? तो मैं यहां पे इसका डायग्राम बनाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, राइट? पावर फैक्टर मीटर का मैं यहां पे डायग्राम बनाऊंगा, तो यहां पे एक पहला फिक्स्ड कॉइल यूज होने वाला है हमारा, ठीक है? ये एक फिक्स्ड कॉइल यूज कर रहा हूं, फिक्स्ड कॉइल वन लिख देता हूं इसको मैं, राइट? ये जाएगा हमारे लोड से पास होते हुए, यहां पे मैं एक लोड कनेक्ट कर दे रहा हूं। अब इस लोड का कुछ पावर फैक्टर होगा, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? लोड का पावर फैक्टर हम कैलकुलेट करना है हमें। अब यहां पर फिक्स्ड कॉइल टू प्रोवाइड कर देता हूं, करेक्ट? तो यहां पे हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि पावर फैक्टर मीटर में दो फिक्स्ड कॉइल होते हैं। फिक्स्ड कॉइल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, मूविंग कॉइल क्या होता है आपको पता है, ये नाम होते हैं हमारे करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के, राइट? तो ये चीज हम पहले से जान चुके हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में, ठीक है? दो फिक्स्ड कॉइल्स हैं, वैसे ही दो हमारे मूविंग कॉइल भी रहेंगे। दो मैं यहां पर मूविंग कॉइल रख देता हूं, ठीक है? ये हो गया हमारा मूविंग कॉइल, ठीक है? तो ये मैं इसको नाम देता हूं मूविंग कॉइल वन, इसको दूसरे पेन से करते हैं, राइट? तो ये हमारा हो गया मूविंग कॉइल वन, और ये हो गया हमारा मूविंग कॉइल टू, राइट? दो मूविंग कॉइल और दो फिक्स्ड कॉइल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये जो दो मूविंग कॉइल है एक्चुअल में है क्या, ये प्रेशर कॉइल है, और प्रेशर कॉइल को हमने स्प्लिट कर दिए, प्रेशर कॉइल को हम स्प्लिट कर चुके हैं, और ये जो स्प्लिट करने के बाद ब्रेक करके इन दोनों मूविंग कॉइल के बीच का एंगल कितना मेंटेन कर रहे हैं हम, 90 डिग्रीज का, ठीक है? तो जो दो मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल वन और मूविंग कॉइल टू, इन दोनों को हम इस तरीके से रखे हैं, ये देखो ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री हम मेंटेन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूं, ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये एंगल को सपोज थीटा मान लेता हूं मैं, ठीक है? ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक। अब इतना चीज क्लियर, अब मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं डायग्राम को, यहां से मैं एक वायर लेता हूं, ठीक है? इधर आया, इधर, ठीक है? इंडक्टर एक यहां पे कनेक्टेड और एक रेसिस्टर, और यहां पे हम देंगे सप्लाई, प्लस माइनस सप्लाई भी, ये इसको हटा देता हूँ ये चीज, ये हमारा हो गया इंडक्टर L और ये हो गया हमारा रेसिस्टर, ठीक है? अब सप्लाई दिया मैंने, सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करने से हमारा सोर्स करंट फ्लो होगा, तो ये सोर्स करंट मैंने दिखा देता हूं I, सोर्स करंट I फ्लो हो रहा है, करेक्ट? सोर्स करंट I यहां पे आया, इस पॉइंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? कैसे डिवाइड होगा, यहां से जो करंट फ्लो होगा वो सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो, तो ये कौन सा करंट है भाई, ये तो लोड करंट है I2, इसको मैं चलो I2 नाम दे देता हूं,
तो ये सप्लाई करंट ब्रेक हो गया पहले I2 में, जो कि हमारा लोड करंट था, और वही लोड करंट फिक्स्ड कॉइल में फ्लो हो रहा है, फिक्स्ड कॉइल 1 और फिक्स्ड कॉइल 2 में फ्लो हो रहा है। क्लियर, लोड करंट ही फिक्स्ड कॉइल 1 और फिक्स्ड कॉइल 2 में फ्लो हो रहा है। अब अगर फिक्स्ड कॉइल्स में करंट फ्लो हो रहा है तो उससे क्या होगा, उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो यहां पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करके दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये दोनों फिक्स्ड कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। दोनों में करंट फ्लो करवाया मैंने, कौन सा करंट था, लोड करंट था, और उनके कारण फिक्स्ड कॉइल्स में हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। अब यहां पे भी करंट आएगा कुछ, तो इस करंट को मैं नाम दे देता हूं I1। ये करंट हो गया I1, राइट। ये करंट I1 यहां तक आया, अब यहां पे भी आके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 तो ब्रेक होगा, तो एक यहां पे आया I1 डैश, ठीक है, I1 डैश, और यहां पे होते हुए एक और करंट आया, ये हो गया I1 डबल डैश, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका I1 डैश, ये देखो यहां पे, और ये हो गया I1 डबल डैश। क्लियर है यहां तक बात, राइट। तो देखो यहां तक हमें समझ में आ गया कि फिक्स्ड कॉइल्स में करंट फ्लो हो रहा है, लोड करंट, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम क्या रख रहे हैं, दो मूविंग कॉइल को रख रहे हैं जो 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और उन मूविंग कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है भाई, I1 करंट फ्लो हो रहा है, जो I1 डैश और I1 डबल डैश में ब्रेक होके दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो होगा क्या, होगा ये कि इस मैग्नेटिक फील्ड, इस मूविंग कॉइल 1 में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, मतलब कि क्या, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना, इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं इस मूविंग कॉइल को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो इसमें करंट फ्लो होने के कारण इसमें फोर्स डेवलप, एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और वैसे ही इस मूविंग कॉइल 2 पे भी एक फोर्स लगेगा। तो होगा ये कि देखिए, अब दो हमारे मूविंग कॉइल्स हैं, एक में इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक में इस तरफ फोर्स लग रहा है, पर दोनों को मैं यहां पे जोड़ के रखा हूं, दोनों को मैं यहां पे जोड़ के रखा हूं, तो क्या होगा कि दोनों का फोर्स, एक का फोर्स इधर लग रहा है, एक का फोर्स इधर लग रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम या फिर स्टेडी स्टेट में, जब दोनों मूविंग कॉइल का फोर्स इक्वल हो जाएगा, मतलब कि क्या, दोनों का फोर्स, दोनों के तरफ जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर देंगे, तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे रुक जाएंगे। और होगा क्या कि यहीं पे मैं एक यहां पे पॉइंटर कनेक्ट कर दूंगा, ये पॉइंट पे एक पॉइंटर कनेक्ट कर दूंगा, और ये पॉइंटर आपका रीडिंग को प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे मैं कनेक्ट करता हूं 0.5, 0.8, 0.7 कर देते हैं इसको, 0.8 यूनिटी, 0.8, 0.7 एंड 0.5। तो ये हो गया आपका लीड, लैग, और ये हो गया यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो क्लियर हुआ पिक्चर आपको कि मैंने फिक्स्ड कॉइल्स को, दो फिक्स्ड कॉइल रखा है, दोनों फिक्स्ड कॉइल रिस्पॉन्सिबल है आपके मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए, ठीक है। करंट फ्लो हुआ, लोड करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मैंने दो मूविंग कॉइल रखे हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल को रखा है जो 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, और उनमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के कारण जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स दोनों मूविंग कॉइल में अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। अलग अलग डायरेक्शन में लगने के कारण क्या होगा कि हमने तो उसे जोड़ के रखा है, तो एक इसको इधर खींचेगा, दूसरा इधर खींचेगा, तो ऐसे कर करके एक टाइम ऐसा आएगा जब जिस वक्त इस मूविंग कॉइल में और इस मूविंग कॉइल में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा, और आपका मूविंग कॉइल बैलेंस में पहुंच जाएगा। और बैलेंस में पहुंचने से होगा क्या कि ये जो पॉइंटर है वो एक जगह आके रुक जाएगा, या तो यहां रुकेगा या तो फिर यहां रुकेगा। तो जब भी रुकेगा तो हमारा एक रीडिंग आ जाएगा, किससे, पॉइंटर से, और स्केल में हमें एक रीडिंग मिल जाएगा। और देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक इंडक्टर प्रोवाइड किया, एक रेसिस्टर प्रोवाइड किया, इसका मतलब कि क्या, ये एक नॉन रेसिस्टिव पाथ है ना, ये एक नॉन रेसिस्टिव पाथ है, मतलब यहां पे इंडक्टिव पाथ है और ये एक रेसिस्टिव पाथ है।
तो ये किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन दोनों करंट में ये जो करंट फ्लो हो रहा है उनके बीच का भी जो एंगल है वो अलग हो, ठीक है। वो जो इसको मैं मूविंग कॉइल वन कर देता हूं, इसको एक्चुअल में इसको मैं मूविंग कॉइल वन कर देता हूं और ये मूविंग कॉइल टू हो जाएगा, ये वन टू, ठीक राइट। नहीं नहीं ठीक, पहले ही ठीक था राइट। तो ये एक आपका एल है, आर है, जो भी करंट इसमें फ्लो होगा, जो भी करंट इससे फ्लो होगा वो क्या होगा, वो करंट मैं यहां पे गलत लिखाऊंगा, करंट आई वन डैश और ये आई वन डबल डैश, अच्छा तभी मैं सोच रहा था कि आई वन डैश इधर से फ्लो होते हुए आई वन डैश होगा और ये आई वन डबल डैश होगा, करेक्ट, अब सही है, ठीक है। आई वन डैश ऐसे आया और ये आई वन डबल डैश इधर से आया, ठीक है। तो एल और आर जो किस लिए प्रोवाइड किया गया है कि आई वन डबल डैश और आई वन डैश, जो आई वन डैश होगा वो किससे फ्लो हो रहा है, रेसिस्टिव पाथ से फ्लो हो रहा है, तो करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होंगे, जो ये वोल्टेज है वो इन फेज होंगे, एक ही फेज में होंगे, किसमें, रेसिस्टिव पाथ में, जो कि यहां पे रेसिस्टेंस है, और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा 90 डिग्रीज का। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट से, आई वन डबल डैश मतलब के क्या होगा, लैग करेगा वोल्टेज से। तो यहां पे जो करंट का एंगल भी चेंज हो गया, फेज डिस्प्लेसमेंट भी प्रोवाइड हो गया और यहां पे एक बैलेंस पहुंचने के कारण आपको पॉइंटर आके रुक भी गया। इसी कारण हमें स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती इन केस ऑफ पावर फैक्टर मीटर, राइट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर फैक्टर मीटर मेजर्स द पावर फैक्टर, कैसे मेजर करता है वो, फाइव पावर फैक्टर एंगल को निकालता है, कॉस फाइव निकाल लेता है तो पावर फैक्टर आ जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, कैसे, क्योंकि इसमें भी फिक्स्ड कॉइल्स हैं, प्रेशर कॉइल को हमने ब्रेक कर दिया है, मतलब कि क्या, मूविंग कॉइल हमारा दो मूविंग कॉइल आ गया है यहां पे, मूविंग कॉइल वन मूविंग कॉइल टू विच आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज, दोनों 90 डिग्रीज से डिस्प्लेस है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्रीज है। एक मूविंग कॉइल में हमने रेसिस्टिव पाथ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, रेसिस्टिव पाथ प्रोवाइड किया है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, इस रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो वोल्टेज के साथ फेज में होगा। और एक है हमारा नॉन रेसिस्टिव पाथ, मतलब कि क्या, इंडक्टिव पाथ, तो इसमें क्या होगा, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा वो भैया लैग करेगा वोल्टेज से 90 डिग्रीज, राइट। तो यहां पे करंट का भी आ गया और अब हमें देखना है कि ये पावर फैक्टर कैसे मेजर करेगा, राइट। इतना चीज आपको क्लियर हो गया कि स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल या कोई भी टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क हम क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो मूविंग कॉइल्स है ना उसमें जो फोर्स लग रहा है वो अपने आप बैलेंस में आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है, वो एक टाइम पे अपने आप बैलेंस में पहुंच जाते हैं खुद ब खुद, इसलिए आपको अलग से कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर हुआ, इसलिए कोई भी कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मूविंग कॉइल खुद ब खुद अपने आप बैलेंस में पहुंच जाते हैं। तो आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, इन पावर फैक्टर मीटर कंट्रोलिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज इन इक्विलिब्रियम द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन द मूविंग कॉइल वन एंड टू बैलेंसेस ईच अदर एंड सो पॉइंटर गिव्स रीडिंग विदाउट कंट्रोलिंग टॉर्क, विदाउट स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल, क्लियर यहां पे, राइट। तो ये आ गया हमारे पास
ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है जब भी आपको पावर फैक्टर मीटर से क्वेश्चन देखने को आया है, राइट, कि कंट्रोलिंग टॉर्क से ही आपका क्वेश्चन आएगा और आपको क्या देखना है कि कंट्रोलिंग टॉर्क उसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। और क्यों नहीं की जाती है वो मैंने बता दिया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होते हैं मूविंग कॉइल पे जो लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, एक टाइम पे आएगा जो दोनों के फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो वो बैलेंस आपका मिल जाएगा और उससे पॉइंटर अटैच रहता है और पॉइंटर आके रुक जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे आपका ये रीडिंग दे दिया मैं, ये यूनिटी पावर फैक्टर वन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉइंटेड, राइट, ये चीज। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम कि अगर आपको थ्री फेज लोड का पावर फैक्टर मेजर करना होगा, अगर आपको थ्री फेज लोड का पावर फैक्टर मेजर करना होगा तो आप क्या यूज करेंगे, पोलराइज्ड वेन पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, टू मेजर, यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट, टू मेजर पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज लोड वी यूज पोलराइज्ड वेन पावर फैक्टर मीटर, ठीक है। तो थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है पता है कि यहां पे हम दो मूविंग कॉइल यूज कर रहे हैं, पर थ्री फेज पोलराइज्ड पावर फैक्टर मीटर में तीन मूविंग कॉइल यूज होंगे और वो तीन मूविंग कॉइल जो होंगे वो एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों मूविंग कॉइल, पर इसमें थ्री मूविंग कॉइल यूज होंगे, विल बी यूज, और उनके बीच का एंगल कितना होगा, जैसे इसके टाइप का हमने 90 डिग्री बना के वो किया है ना, वैसे ही इन तीनों के बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। क्लियर हुआ यहां तक, राइट। यहां पे 90 डिग्रीज दो मूविंग कॉइल थे, 90 डिग्रीज मेंटेन किया मैंने, यहां पे तीन मूविंग कॉइल में 120 डिग्री मेंटेन किया इन केस ऑफ थ्री फेज लोड का पावर फैक्टर निकालने के लिए, राइट। ये सब चीज क्लियर हो गया कि कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे निकालते हैं। अब एक बार मैं एक डेरिवेशन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये पावर फैक्टर मीटर कैसे पावर फैक्टर को मेजर कर रहा है, राइट। तो इसका मैं वर्किंग प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। इसके बीच का जो क्वेश्चन आता है जनरली कंट्रोलिंग टॉर्क से, वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कि क्यों हम स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल कोई भी तरीके का कंट्रोलिंग टॉर्क हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि अपने आप जो भी फोर्स लग रहे हैं मूविंग कॉइल्स पे वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बैलेंस कर देगा उन दोनों के बीच का फोर्स को और वहां पे आके पॉइंटर रुक जाएगा और उसी तरीके से हमारा पावर फैक्टर मेजर हो जाएगा। तो एक देखो एक एग्जांपल, अगर मैं मूविंग कॉइल वन को कंसिडर करूं, कंसिडरिंग मूविंग कॉइल वन, यहां पे मूविंग कॉइल वन को लेता हूं, मूविंग कॉइल वन को चलो ले लेता हूं, ठीक है। तो मूविंग कॉइल वन को लिया मैं, तो ये देखो ये क्या है, फ्लक्स है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है आपका जा रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आप मेरे को याद करके बताओ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आप इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में पढ़ चुके हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है टी डी इज इक्वल टू आई सी सी इंटू आई पी सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन प्रेशर कॉइल करंट एंड करंट कॉइल करंट एंड डी एम डी थीटा, ठीक है। मतलब कि क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, करंट कॉइल प्रेशर कॉइल का करंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों के बीच का एंगल और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। तो देखो यहां पे करंट क्या हो रहा है, आईसीसी। अगर मैं मूविंग कॉइल वन को देख रहा हूं तो मूविंग कॉइल वन को देखते समय
मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालूंगा इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये मूविंग कॉइल के ऊपर कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वन जो टीडी वन जो होगा, करंट कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है बताओ, ये आपको करंट कॉइल हो गया, ठीक है, ये करंट कॉइल हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं आई टू, करेक्ट। प्रेशर कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, प्रेशर कॉइल में मैं लेता हूं मूविंग कॉइल वन में आई वन डैश, ठीक है, ये हो गया आई वन डैश। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस निकालना है, एंगल बताना है, ठीक है, और डीएम बाय डी थीटा निकालना है, ठीक है। तो दो चीजें हमें निकालनी है, पहले तो इन दोनों करंट का एंगल, दूसरा इन म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू क्या है। तो सपोज करो एम, लेट एम इज इक्वल टू एम मैक्स कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा लिखा भाई, देखो ये हमने रेफरेंस लाइन माना था और ये जो मूविंग कॉइल वन है वो उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इस एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगा, ठीक है, इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस जो डेवलप होगा वो कितना होगा आपका एम मैक्स कॉस थीटा, राइट। तो लेट म्यूचुअल इंडक्टेंस एम वन, इसको मैं एम वन लिख देता हूं, इस कॉइल में जो डेवलप हो रहा है मूविंग कॉइल में वो किसके इक्वल है, एम मैक्स कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। अब एंगल निकालना है, एंगल कैसे निकालोगे, एंगल निकालने के लिए आपको मैं यहां पे डायग्राम बना के दिखाता हूं, फेजर डायग्राम। ये आप सपोज करो वोल्टेज सप्लाई का फेजर है, वोल्टेज सप्लाई का फेजर। अब लोड करंट क्या है भाई, ठीक है, आई टू है। अगर लोड आपका लीड लैगिंग लीडिंग कुछ भी हो सकता है, यूनिटी पावर फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अभी मेरे को लोड का पावर फैक्टर एंगल नहीं पता है, तो मैं सपोज कर रहा हूं कि सपोज करो कि ये जो I2 है, I2 वो लैगिंग लोड है और वो आपके सप्लाई वोल्टेज से phi एंगल लैग कर रहा है। तो अगर मैं ये I2 को, ये देखो I2 को ऐसे बना देता हूं, I2 क्या है, लोड एंगल है, उसका पावर फैक्टर कितना है लोड का, cos phi है, पावर फैक्टर एंगल कितना है, phi है, तो ये वोल्टेज से phi एंगल लैग कर रहा है हमारा लोड करंट। अब यहां पे देखो, यहां पे अब अगर हमारा ये इसको मैं लेता हूं, I ऐसे आया, I1 इधर आया, I2 इधर चला गया, I1 फिर इधर से डिवाइड हो गया I1 डैश में और I1 डबल डैश में। तो ये जो I1 डैश है वो किससे आ रहा है भाई, वो रेसिस्टेंस से होते हुए आ रहा है, वो आपका रेसिस्टेंस से होते हुए आ रहा है। इसका मतलब कि क्या, कि अगर रेसिस्टेंस से आ रहा है तो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज और करंट I1 डबल डैश वो दोनों एक ही साथ एक ही फेज में होंगे, मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका I1 डैश, राइट, ये आपका I1 डैश वोल्टेज के साथ फेज में आ गया है, क्लियर हुआ। वैसे ही I1 डबल डैश इधर से होते हुए आ रहा है, ठीक है, तो वो इंडक्टर से होते हुए आ रहा है, इंडक्टर से होते हुए आ रहा है, इसका मतलब क्या, वोल्टेज से वो 90 डिग्री अब लैग करेगा। तो ये आपका हो गया इंडक्टर का करंट I1 डबल डैश। तो ये देखो ये कितना एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री बना दिया। अभी अभी हमको किसका एंगल निकालना है, अब हमें निकालना है करंट बिटवीन ICC और IPC का कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब कि क्या I1 डैश और I2 के बीच का एंगल कितना हो रहा है हमारे पास फेजर डायग्राम से, फाइव, ये हो रहा है फाइव, कॉस फाइव। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब M1 कितना है हमारा, एम मैक्स कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास कितना आ जा रहा है, टी डिफ्लेक्शन वन, यहां पे लिख देता हूं टी डी वन इज इक्वल टू हाउ मच, आई टू आई वन डैश कॉस फाइव, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, और ये क्या हो गया, एम मैक्स, ठीक है, राइट। तो ये चीज आगे इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एम मैक्स कॉस फाइव साइन थीटा, ये आ गया माइनस साइन के साथ, राइट। देखो अब
वैसे ही जैसे कि मैं TD1 मतलब कि मूविंग कॉइल 1 में जो डिफ्लेक्शन लग रहा था उसको मैं निकाल लिया, उसी तरीके से मैं क्या मूविंग कॉइल 2 का डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं कि उसमें कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो वैसे ही अगर मैं निकालूं तो मूविंग कॉइल 2 का कितना हो रहा होगा, मूविंग कॉइल 2 का डिफ्लेक्शन टॉर्क में सेम फॉर्मूला लगेगा ICC IPC cos ऑफ एंगल बिटवीन देम DM2, ठीक है, DM2 डिवाइडेड बाय D थीटा और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। और यहां पे करंट क्या है, अब फिर से I2 ही है क्योंकि फिक्स्ड कॉइल तो अभी भी हमारा सेम है, दोनों में लोड करंट ही फ्लो हो रहा है। पर अब इस केस में आपका जो ये है मूविंग कॉइल 2 उसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 डबल डैश। तो ये हो गया I1 डबल डैश, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द I2 और I1 डबल डैश, I1 डबल डैश और I2 के बीच का एंगल मुझे कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 90 माइनस 5। एग्री करेंगे आप, देखो फेजर डायग्राम मैंने क्लियरली बनाया है, तो यहां पे एंगल कितना आ गया 90 माइनस 5। क्लियर, अब देखो DM2 कितना होगा, अगर M1 है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपका मूविंग कॉइल 1 में डेवलप हो रहा है वो कितना है, MX cos थीटा है। तो थीटा कहां से आया था भाई, रेफरेंस से आया था, क्योंकि मूविंग कॉइल 1 जो आपका एंगल कितना बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था, पर मूविंग कॉइल 2 आपको कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस से, थीटा प्लस 90 कितना हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा, राइट right? कहां से आया, थीटा प्लस 90, देखो मूविंग कॉइल 2 का एंगल रेफरेंस है। तो अब मूविंग कॉइल 2 में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितना आपका वैल्यू है, MX cos 90 प्लस थीटा, राइट right? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं MX माइनस, लिख सकता हूं क्या इसको मैं माइनस MX sin थीटा, देखो राइट माइनस MX sin थीटा, 90 प्लस थीटा लिखा हूं तो करेक्ट, ये चीज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास TD2 कितना आ रहा है, TD2 कितना आ रहा है चेक करते हैं एक बार, I2 I1 डबल डैश I1 डबल डैश cos ऑफ 90 माइनस 5, cos ऑफ 90 माइनस 5 कितना हो गया sin 5, ठीक है sin 5 और DM2 अपॉन D थीटा कितना हो गया माइनस MX साइन थीटा, ठीक है ये हो गया माइनस MX साइन थीटा। और इसको डिफरेंशिएट भी तो करना बचा है अभी, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा cos थीटा, तो ये हो गया आपका cos थीटा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं MX cos थीटा, ठीक है और ये हो गया आपका sin 5, ठीक है 90 माइनस 5 साइन 5 हो गया और आपका यहां पे आ गया cos थीटा, राइट और ये माइनस साइन, राइट। तो अब मैं अगर बैलेंस में एट बैलेंस अगर मुझे इनका क्या निकालना होगा, एट बैलेंस अगर मैंने क्या बोला था इन जब बैलेंस आएगा, बैलेंस कब आएगा जब दोनों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फोर्स सेम होगा, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तब आपका बैलेंस आएगा और पॉइंटर आपका रीडिंग देगा। तो एट बैलेंस दोनों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू तो सेम होने वाला है, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा, चलो चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा, मैं बैलेंस में निकालता हूं क्योंकि कितने करंट हो रहे हैं, मतलब कि कैसे हमारा पावर फैक्टर एंगल जो है वो डिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। देखो एट बैलेंस जो दोनों टॉर्क प्रोड्यूस हुए मूविंग कॉइल के ऊपर उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, TD1 is equal to TD2, ठीक है। तो दोनों में टॉर्क का मैग्नीट्यूड को मैं सेम करने वाला हूं बैलेंस में, तभी हमारा पॉइंटर आके रुकेगा कहीं पे और हमको कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। एक और चीज मैं यहां पे बोलूंगा कि हम क्या करते हैं I1 डैश और I1 डबल डैश को सेम कर देते हैं, एंड I1 डैश एंड I1 डबल डैश सेम। कैसे सेम होगा, अगर सेम नहीं होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अलग अलग हो जाएंगे ना, पर हमको तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे आपका रीडिंग होगा ना उस पॉइंट पे आके दोनों करंट सेम हो जाएंगे और उस पॉइंट पे आपका दोनों टॉर्क भी सेम हो जाएगा, तो अपने आप आपको रीडिंग मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं TD1 को I2 I1 डैश MX cos 5 sin थीटा इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड बस लेना है तो माइनस साइन को हटा दे रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये हो गया आपका आई टू आई वन डबल डैश एम एक्स किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। तो अब देखो कैंसल आउट करते हैं, आई टू कैंसल हो गया, करंट आई वन डैश और आई वन डैश एंड आई वन डबल डैश आर इक्वल, ठीक है, एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए, तो यहां पे इक्वल हो गए, तो अगर इक्वल है वो तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, एम मैक्स भी कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास आ क्या रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा थीटा को एक साथ कर देता हूं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस फाई को इधर लेके गया तो कितना आ गया, टेन फाई, ठीक है, टेन फाई मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू फाई, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है डिफ्लेक्शन, थीटा मतलब कि क्या होता है भाई, डिफ्लेक्शन ही तो होता है ना, डिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल टू पावर फैक्टर एंगल, एंगल फाई, ठीक है, सो पावर फैक्टर एंगल इक्वल टू कॉस फाई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो इवेंचुअली हमको डायरेक्टली थीटा दे देता है, पावर फैक्टर एंगल दे देता है, ठीक है, ये जो थीटा आएगा पावर फैक्टर मीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके पावर फैक्टर एंगल से, तो वो इक्वल हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल के, और उसी से हम कोसाइन निकाल लेंगे उसका, बस कोसाइन निकालना आराम से निकल जाता है वो, तो ये आपका रीडिंग में कैलिब्रेशन करने से आपको आराम से डायरेक्टली पावर फैक्टर ऑफ द लोड मिल जाएगा। तो ये इतना सही था पावर फैक्टर मीटर आपका, इसमें दो चीजें याद रखनी है आपको, क्या कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते हम, दूसरा डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, पावर फैक्टर एंगल के इक्वल होता है, डायरेक्टली इक्वल होता है ना, और मूविंग कॉइल दो होते हैं, मूविंग कॉइल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है, कौन सा डैम्पिंग यूज किया जाता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है पावर फैक्टर मीटर, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। मूविंग कॉइल जो दो होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है। थ्री फेस लोड का अगर पावर फैक्टर मेजर करना है तो क्या करेंगे आप, तो आप पोलराइज्ड वेन पावर थ्री फेस पावर फैक्टर मीटर यूज करेंगे, ठीक है, पोलराइज्ड वेन थ्री फेस पावर फैक्टर मीटर यूज करेंगे, उसमें कितना होगा, तीन मूविंग कॉइल होंगी और उनके बीच का एंगल 120 डिग्रीज होगा। तो इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये चीज डेरिवेशन आपको मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि कहीं कभी आपको यूज करना हो, समझाना हो या खुद समझना हो कि कैसे भाई पावर फैक्टर कैसे मेजर हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर तो बहुत छोटा क्वांटिटी है, उसको मेजर कैसे करेंगे, करंट और वोल्टेज तो समझ में भी आता है, तो इस तरीके से हम पावर फैक्टर यूज मेजर करते हैं। तो ये था आपका पावर फैक्टर मीटर के बारे में बात, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो पावर फैक्टर मीटर के बाद अब हम देखते हैं पावर फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक है। तो पावर फ्रिक्वेंसी मीटर काफी ज्यादा छोटा टॉपिक होने वाला है, ज्यादा डिटेल में हमको जाना नहीं है क्योंकि इससे काफी कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी तक, ना के बराबर, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमें रहना चाहिए ताकि कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ मुझे थोड़ा सा पता है इस बारे में, पावर फ्रिक्वेंसी मीटर के बारे में। वैसे तो अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, राइट। तो मैंने पावर फैक्टर मीटर के बाद ही इसी वीडियो में पावर फ्रिक्वेंसी मीटर को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, देखो पावर फ्रिक्वेंसी मीटर, फर्स्ट थिंग इसमें डैम्पिंग कौन सी प्रोवाइड की जाती है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड, ठीक है। और पावर फ्रिक्वेंसी मीटर मतलब कि क्या, जैसे कि पावर फैक्टर मीटर था वैसे ही ये मीटर आपका फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा, इतना तो क्लियर है ना, जैसे कि नाम है वैसे ही काम है कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है पावर फ्रीक्वेंसी मीटर, जिसमें क्या होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है इसमें, कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें होता है, पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते स्प्रिंग या ग्रेविटी से, पर इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, और कैसे प्रोवाइड करते हैं हम, ग्रेविटी कंट्रोल यूज करके यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी कंट्रोल इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, राइट।
तो ये दो पॉइंट आ सकता था कि डैम्पिंग कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा होता है, यही दो पॉइंट आ सकते हैं आपके पावर फ्रीक्वेंसी मीटर में से। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ पावर फ्रीक्वेंसी मीटर का आपके लिए। ये देखो कैसे हम पावर फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इंडक्टर, कैपेसिटर, फिक्स कॉइल वन, फिक्स्ड कॉइल टू, एक और कैपेसिटर, एक इंडक्टर, और ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहां पे एक मूविंग कॉइल लगा देते हैं, तो यहां पे मैं नेमिंग कर देता हूं पहले। इस पॉइंट पे मैं क्या दूंगा आपका, इस पॉइंट पे आपको दूंगा मैं इनपुट सप्लाई, सप्लाई, ठीक है। यहां से सप्लाई को ऐसे कर देते हैं, अब ये सप्लाई करंट फ्लो होगा आपके में से, ठीक है। सप्लाई से देने से सप्लाई करंट फ्लो होगा, अब वो सप्लाई करंट ना दो में डिवाइड हो जाएगा, दो करंट्स में डिवाइड हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सपोज करो आई वन, और ये हो गया आपका आई टू, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई करंट दो करंट्स में डिवाइड हो गया आई वन और आई टू पे, ठीक है। और यहां पर क्या क्या है, इस पाथ में इंडक्टर है एल वन, कैपेसिटर है सी वन, इस पाथ में जिसमें से I2 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, उसमें क्या है इंडक्टर L2, कैपेसिटर C2, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आपका फिक्स्ड कॉइल 1 है और ये फिक्स्ड कॉइल 2 है, ठीक है। फिक्स्ड कॉइल क्या करते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने का काम करते हैं, करंट उसमें I1 और I2 फ्लो हो रहे हैं। यहां पे क्या है, मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल से आपका पॉइंटर कनेक्टेड होगा, पॉइंटर कनेक्टेड होगा, पॉइंटर से स्केल में आपका रीडिंग्स आ जाएगा। तो यहां पे क्या क्या रहेगा, एक रहेगा रीडिंग में हाई, हाई मतलब क्या 55 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज सेट कर देंगे हम, लो मतलब 45 हर्ट्ज, और नॉर्मल मतलब 50 हर्ट्ज, ये, ठीक है। तो अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, ये जो इंडक्टर L1 और C1 है, ठीक है, इन लोग को मैं ट्यून करूंगा। ट्यून मतलब क्या होता है कि इन दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर की जो कॉम्बिनेशन है, इनकी फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यून करने वाला हूं, कैसे कि F1 जो होगा, F1 फ्रीक्वेंसी F1 is equal to 1/2 pi, ये आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस में, ठीक है, L1 C1। और F2 क्या होने वाला है, 1/2 pi L2 C2, ठीक है। तो अगर मैं L1 और C1 की वैल्यू को चेंज करूं, चेंज करके L1 और C1 की वैल्यू को चेंज करके मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी को मैं किस में ला सकता हूं, इस फ्रीक्वेंसी को मैं ला सकता हूं 45 हर्ट्ज में। F1 को मैं सेट कर सकता हूं, ट्यून करना मतलब क्या होता है कि F1 को मैं सेट कर रहा हूं 45 हर्ट्ज में, राइट। और वैसे ही यहां पे L2 और C2 की वैल्यूज को चेंज करके मैं फिक्स्ड कर दूंगा ऐसे, ताकि हमारा जो F2 होगा वो 55 हर्ट्ज में आ जाए। समझ में आया, मतलब कि क्या, इतना जो सर्किट एरिया है ये L1 C1 का कॉम्बिनेशन, ये आपका एक सर्किट एरिया होगा, दूसरा L2 C2 का कॉम्बिनेशन, और L1 C1 की कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं उनकी वैल्यूज को इस प्रकार रखूंगा ताकि हमारा जो F1 है वो 45 हर्ट्ज में फिक्स्ड हो जाए। तो मतलब कि क्या, ये 45 हर्ट्ज को बता रहा है और ये हमारा 55 हर्ट्ज को बता रहा है, राइट, L2 C2 की वैल्यूज को चेंज करने से। अब देखो कि ये चीज तो समझ में आ गया,
सप्लाई प्रोवाइड किया, करंट आया, करंट हो गया डिवाइड I2 और I1 में, I1 हो गया फिक्स्ड कॉइल करंट 1 का करंट और ये फिक्स्ड कॉइल 2 का करंट हो गया I2 और ये आ गया आपका मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल से कनेक्टेड है पॉइंटर, पॉइंटर से आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी हाई, नॉर्मल और 45 हर्ट्ज, मतलब कि लो। ठीक है, तो अब सपोज करो कि आपने जो सप्लाई प्रोवाइड किया, सप्लाई का ही हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, सप्लाई का ही फ्रीक्वेंसी निकालना है, आपको पता नहीं है कि सप्लाई की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो आपने सपोज करो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 55 हर्ट्ज। यहां पे दो ही रेंज के आएंगे आपके, एक 55 हर्ट्ज, दूसरा 45 हर्ट्ज, और या तो फिर नॉर्मल जो कि 50 हर्ट्ज ही प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या 55 हर्ट्ज का आपने सप्लाई प्रोवाइड किया है, तो उस केस में होगा क्या कि जो आपका करंट यहां से आ रहा है उसमें से I2 डिवाइड होगा और I1 डिवाइड होगा, पर I2 जो रहेगा वो आपका ग्रेटर देन I1 होगा। ग्रेटर देन I1 मतलब कि क्या, ग्रेटर भी होगा और लीड करेगा, I1 से लीड भी करेगा और ग्रेटर देन होगा। तो इस कारण I2 आया फ्लो हुआ फिक्स्ड कॉइल 2 से, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये देखो फिक्स्ड कॉइल 1 से मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स्ड कॉइल 2 से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिक्स्ड कॉइल 1 से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल फ्लक्स हो रहा है दोनों फिक्स्ड, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, करंट रिस्पॉन्सिबल है। करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो ये जो मूविंग कॉइल है वो आपका फिक्स्ड कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, तो उससे आपका रीडिंग क्या आएगा, हाई आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सप्लाई मैंने प्रोवाइड किया और अगर मुझे पता नहीं है कि सप्लाई की कितनी वैल्यू है, और सपोज करो कि ये हाई सप्लाई है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आपने प्रोवाइड की थी, तो I2 आपका लीडिंग होगा I1 से, I2 विल लीड। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं आपका फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, I2 लीड्स I1। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉइल 2 का म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा होगा फिक्स्ड कॉइल 1 से, मूविंग कॉइल फिक्स्ड कॉइल 2 की तरफ जाएगा और रीडिंग क्या देगा, हाई रीडिंग दे देगा, मतलब कि क्या 55 हर्ट्ज दे देगा आपका पॉइंटर से, मतलब स्केल में दे देगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आप लो फ्रीक्वेंसीज देते हो, फॉर लो फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, I1 लीड करेगा I2 से। ठीक है, तो I1 लीड करेगा तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉइल 1 का म्यूचुअल फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, फिक्स्ड कॉइल 1 और मूविंग कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा, मतलब कि क्या, आपका मूविंग कॉइल इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और पॉइंटर को अपने से अटैच है पॉइंटर मूविंग कॉइल से, तो वो इधर आने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब रीडिंग क्या आएगा, लो आएगा, लो मतलब कि क्या, 45 हर्ट्ज, राइट। और अगर मान लो आपने नॉर्मल सप्लाई दिया, जो कि हमारा हाउस का सप्लाई होता है 50 हर्ट्ज का, तो अगर आप उससे कनेक्ट करते हो तो आपका आई वन और आई टू दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और आपका पॉइंटर फिक्स्ड यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला मैंने, I2 अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी दिया है, I2 लीड करेगा, तो ओवरऑल जो करंट जाएगा मूविंग कॉइल में, ओवरऑल जो करंट जाएगा मूविंग कॉइल में वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने के कारण जो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से पास आने की कोशिश करेंगे, तो आपका रीडिंग हाई हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी दिया तो I1 लीड करेगा I2 से, ठीक है, और इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी क्या हो, और इन दोनों बीच का म्यूचुअल फ्लक्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा तो रीडिंग आ जाएगा इधर, और जो मूविंग कॉइल में जो करंट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा हो गया है ना। और अगर आपका दोनों नॉर्मल सप्लाई देते हो, नॉर्मल सप्लाई देने से दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे, ना कोई लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि मूविंग कॉइल में आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा और आपका नॉर्मल रीडिंग आएगा फिक्स्ड, जो पॉइंटर 50 हर्ट्ज डिनोट कर देगा, राइट। तो ये चीज था, इसमें क्या करते हैं हम एक LC सर्किट को हम ट्यून कर देते हैं 45 हर्ट्ज में,
दूसरे एलसी सर्किट को हम ट्यून कर देते हैं 55 हर्ट्ज में। ट्यून मतलब कि क्या, सेट करना, उनकी वैल्यूज को फिक्स करके सेट कर देना। तो L1 और C1 की वैल्यू को मैं हेयर फेयर करके 45 हर्ट्ज में और 55 हर्ट्ज में फिक्स कर दूंगा। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करूंगा, ग्रेविटी कंट्रोल यूज करूंगा और मैं फ्रिक्वेंसी को मेजर कर लूंगा कैसे, सप्लाई प्रोवाइड करके। और सप्लाई प्रोवाइड करने से क्या होगा, करंट की हेल्प से हम फ्रिक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि अभी तक इसमें से क्वेश्चन हमें देखा नहीं है, राइट। तो अगर आएगा तो या तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, कौन सा डैम्पिंग यूज होता है ये पूछा जाएगा, या तो फिर ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि आपका किन दो फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है आपका, ये चीज पूछा जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर आपका वर्किंग से आया तो वर्किंग भी मैंने आपको समझा दिया है, राइट। तो ये चीज हो गया आपका पावर फ्रिक्वेंसी मीटर के बारे में। तो अब अभी तक हमने पावर फैक्टर मीटर, जो कि आपका अच्छा टॉपिक था जिसमें हमने कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, वो पढ़ लिया और पावर फ्रिक्वेंसी मीटर को पढ़ लिया। तो ये दो छोटे 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 टॉपिक हैं जिसमें से कम क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, पर फिर भी हमको वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स को कवर कर दिया, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।